सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 6-7-8 तीनों में एक ही है वर्ण विचार, इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, पिछला मैंने वीडियो बनाया था 30 मिनट का हो गया था, तो सर का ही ठीक, इसलिए इसको लिख करके ही आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए वर्ण विचार, वर्ण क्या है? वर्ण मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं या मात्रा कहते हैं। ठीक, व्यंजन जिसे बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब स्वर को तीन भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगता है उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। देखा होगा एस आकार का बना हुआ होता है या इस आकार का बना हुआ होता है। ठीक है, तो पहले हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर अ ई उ ऋ, ये चार वर्ण ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं? देखो छोटा अ मिलकर के बड़ा हो जाता है, छोटी छोटी मिलकर के बड़ी बन जाती है, छोटा ओ छोटा ओ मिलकर के बड़ा हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से फिर आगे आ और ई मिलाएंगे, आ ई मिलाएंगे तो ए हो जाएगा, आ ए मिलकर के ऐ हो जाता है, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, आ और ओ मिलकर के ओ हो जाता है। ठीक, तो इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं, ये दो ह्रस्व स्वरों से जुड़ करके बनते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लुत स्वर, प्लुत स्वर आपने देखा होगा जैसे ओम लिखते ना, तो ओम में क्या करते हैं, इसके पीछे ये तीन आकार का बना देते हैं। तो जिन स्वरों के पीछे ये तीन आकार का बना हुआ होता है या इस आकार का बना हुआ होता है इसे कहते हैं प्लुत। तो इसे जब हम उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे? ओम को आ, तो ये दीर्घ स्वर है। ठीक है बेटा, अब हम बताएंगे आपको स्वर के प्रकार। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, स्वर स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मैंने बताया ही है, जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है अ ई उ ऋ, ऐसे जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर अ आ ई ए ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब मुंह और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर स्वर, मुंह और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक निदानुनासिक स्वर, निदानुनासिक स्वर का मतलब जिसमें हवा सीधे मुख से बाहर निकल जाती है उसे निदानुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा ई, ई उ, 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 ओ, औ तक। ठीक, आ से लेकर के औ तक स्वर निदानुनासिक स्वर कहलाते हैं, जिसमें हवा सीधे मुख से निकलती है। अब देखिए अनुनासिक स्वर, अनु माने बाद में, नासिका माने नाक,
इसमें मुख से तो हवा निकलती है, बाद में नाक से भी निकलती है, ठीक। जिसमें जिन सुरों का उच्चारण करने के लिए मुख और नाक दोनों की सहायता लेनी पड़ती है या दोनों से हवा निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे चंद का बिंदु, तो जहां जहां चंद का बिंदु लगे हो, लगा होगा, वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए मा चांद, ठीक। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार जब हवा सिर्फ नाक से ही निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे चंद का अंग का बिंदु, ठीक। अंग का बिंदु में जैसे गंगा ना? तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो वायु है सीधे नाक से निकलती है। जैसे चंदा ना, ठीक, पंगा, ठीक। तो इस प्रकार से मुंह और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हो गए, निरानासिक, अनुनासिक, अनुस्वार। अब हम देखते हैं कि जीव के भागों के आधार पर स्वर, जीव के भागों के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, एक अग्रभाग, एक मध्यभाग और तीसरा पश्चभाग। जिन स्वरों को बोलने के लिए अग्रभाग काम करता है जीव का, उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे देखिए ई ई ए ऐ, ठीक। मध्यभाग, जिन स्वरों को बोलने के लिए जीवा का मध्य भाग क्रियाशील होता है वह मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ, ओ, ठीक। अब देखते हैं पश्चभाग, जिन स्वरों को बोलने के लिए जीवा का पश्चभाग पिछला भाग क्रियाशील होता है उसे कहते हैं पश्च स्वर। जैसे आ, आ, उ, 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 ओ और औ, ठीक। अब हम देखते हैं जीव की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीव की स्थिति के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, एक समृद्ध स्वर, एक अर्ध समृद्ध स्वर, एक विवृत स्वर और एक अर्ध विवृत स्वर। जिन स्वरों को बोलने के लिए जीव हमारी ऊपर उठ जाती है पूरी तरह से, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे देखिए ई ई ऊ ऊ, ठीक। तो ये क्या है, ये समृद्ध स्वर है। इसके बाद हम देखते हैं जिन स्वरों को बोलने के लिए हमारी जीवा थोड़ा आधा ऊपर उठती है उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। जैसे देखिए ए और ओ, ओ, ठीक। विवृत स्वर, जिन स्वरों को बोलने के लिए हमारी जीवा पूरी तरह से नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाने मतलब नीचे दब जाती है, नीचे चली जाती है, तो उसे कहते हैं विवृत। जैसे देखिए आ, आ, ठीक। इसके बाद देखिए अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर वे स्वर हैं जिनको बोलने के लिए हमारी जीवा आधा नीचे की ओर चली जाती है, उसे अर्ध विवृत कहते हैं। जैसे इसमें दिए हुए अ, आ, ना, ए और ओ, ये किसमें आते हैं, ये अर्ध विवृत में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रकृति और रचना के आधार पर। प्रकृति और रचना के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ये आपके मूल स्वर और संध या संयुक्त स्वर। मूल स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो जो प्रारंभ में ही बने हुए हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, उ, ओ और अ। हमने आपको भी स्वर में बताया था कि संयुक्त स्वर या संध स्वर कैसे बनते हैं, जैसे आ और ए, दिख रहा है, आ और ए मिल करके ए बन जाता है, आ और ओ मिल करके औ बन जाता है, तो इसलिए ये संध स्वर या संयुक्त स्वर भी कहते
हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इसी का अगला भाग इसी में पांचवा में छठा देखेंगे, ओठों की प्रकृति के आधार पर। ठीक, इसमें देखते हैं ओठों की प्रकृति के आकृति के आधार पर। नंबर छह, ओठों की आकृति के आधार पर। ठीक, ओठों की आकृति के आधार पर भी जो स्वर होते हैं हमारे, देखा होगा तीन आकृति में बदलते हैं। जैसे एक वृत्ताकार, कौन सा आकार? वृत्ताकार। जब हम स्वरों को बोलने के लिए जो हमारा मुख है छोटा या बड़ा ना गोल आकृति में बन जाता है, उसे हम उन स्वरों को कहते हैं वृत्ताकार स्वर। जैसे आ, कौन सा आ, ना ऊ ओ, है ना? तो इस प्रकार के स्वर ओ ना? और इसका औ। ठीक, ये किस स्वर में आते हैं? वृत्ताकार स्वर में। आ ओ, 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 ओ। तो इसमें देखते हैं जो हमारे ओठ हैं वह गोलाकार रूप धारण करते हैं, इसलिए इन स्वरों को कहते हैं वृत्ताकार स्वर। इसके बाद दूसरा जो है ये आवृत्ताकार स्वर। आवृत्ताकार, आवृत्ताकार में क्या है, जब हम स्वरों को बोलते हैं उस बोलने के समय जो हमारा मुख है या ओठ है ना, यह गोला नहीं बनाते हैं या गोलाकार नहीं बनाते हैं। जैसे इसके अलावा बचे हुए स्वर है कौन कौन से, जो वृत्ताकार है, जैसे आ आ ना ई, जैसे कौन कौन से है आ आ ना ई ई ना ए ऐ। ठीक, आप इनको देखिए, बोलिए वृत्ता नहीं बना रहे हैं, आ इ ए ए ए, तो इनको इन स्वरों को जब हम बोलते हैं तो ये वृत्ताकार नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं आवृत्ताकार स्वर। तीसरा जो स्वर है आपका वो है विशेष। क्या है इसको? विशेष लिखते हैं, अलग हट के थोड़ा सा है। तो इसमें क्या है विशेष? इसमें विशेष आपका एक स्वर बचता है जिसे कहते हैं री। वो विशेष है, अलग हट के है, उसमें व्यंजन का भी आवास होता है, होता ना। जैसे इसको हम किस तरह से उच्चारण करते हैं? इसको हम री की तरह उच्चारण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम ने आपको स्वर पढ़ाए हैं। अगले भाग में हम आपको इसी का जो व्यंजन भाग बचा हुआ है व्यंजन पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों, ठीक है।